हरे कृष्णा। वृंदावन में हम सब दूध पीते हैं और बहुत अच्छा लगता है, तो मैं आपको आज उसी प्रकार का दूध बनाना बता रही हूँ। ये हमने दूध लिया है करीब करीब एक ग्लास, थोड़ा कम ही है, ज़्यादा नहीं है, और इसको मैं चढ़ा रही हूँ गैस पे, पूरी तरह उबलने देना है। ये मैंने लिया है 2 इलायची, अदरक इतना बड़ा धो के ले लिया है। इसमें मैं एक और चीज डालूंगी जो वृंदावन में नहीं पड़ता है, अच्छा लगेगा आप देखिएगा डाल के, वो है तेज पत्ता। ठीक है, तेज पत्ता का भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है उसके साथ। तो इस दूध में हमें तेज पत्ता पहले डाल देना है, इसके बाद इलायची कूटना है। उसके दानों को निकाल के डालिए तो ज्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा, और छिलका भी डाल दीजिए। और अदरक को भी कूट के डालना है, काट के नहीं, कूट के, इतना बड़ा अदरक है। तो ऐसे कूट लेना है रफली और डाल देना है। यदि आपके पास केसर हो तो केसर भी डालिए, मैं डाल रही हूँ, नहीं हो तो कोई बात नहीं। तो केसर को पहले से भिगो के रखे तो अच्छा कलर रहेगा, नहीं तो फिर फ्रिज में अगर रखते हैं तो ऐसे मसल देना है सिर्फ उसको। ये देखिए मैंने केसर लिया ना, इसको सिर्फ क्योंकि तो फ्रिज में वो ऑलरेडी क्रिस्पी रहता है तो उसको डाल देना है। देखिए ये सारे चीज पड़ गए हैं, अब इसमें चीनी डालना है। एक ग्लास दूध में 1.5 चम्मच चीनी, ऐसे सब लोग चीनी जो है ना कम ज्यादा सबका अलग अलग होता है। तो दूध उबल रहा है, थोड़ी देर उबलने दीजिए। तो इससे क्या होगा, उबलने से इसमें जो सारे फ्लेवर हैं वो अच्छे से पक के एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे, इसलिए थोड़ी देर उबलने देना है इसको। तो मैं दूसरे गैस पे इसको डाल देती हूँ, और मैं एक और चीज बनाऊंगी जो अब आप लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, इसको आप क्या कहते हैं, मुरमुरा नमकीन, हम लोग तो नमकीन मुरमुरा कहते हैं, आप शायद सूखा भेल कहते हैं, क्या कहते हैं, पर ये थोड़ा सा अलग तरीका है बनाने का मेरा। तो देखिए इसमें मैं डालूंगी नारियल का तेल, आप जो तेल यूज करते हैं डालिए, मगर ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, ज्यादा तेल मुझे सूट नहीं करता है, ज्यादा फैट खाना तो, और वैसे भी एक आदमी के लिए बन रहा है, 1 चम्मच तेल काफी है, 1 चम्मच खाने वाले चम्मच। तो मैंने तेल डाल दिया, बहुत ज्यादा भी दूध को नहीं उबालना है, 3-4 मिनट उबाल के और उसको ढक के रखना है, लेकिन तुरंत उसको यूज नहीं करना है,
जब वो ढक के रहेगा तो इसमें फ्लेवर आएगा। तो मैंने ढक दिया। अभी देखिए मैंने क्या क्या लिया है इसके लिए। मूंगफली, नारियल के पीसेस, काजू, किशमिश और मुनक्का, ये सारी चीजें हैं जो मैं अभी डालूंगी इसमें। तो पहले इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा। सरसों मैं नहीं यूज करूंगी, सिर्फ जीरा। जीरा मैंने डाल दिया और एक सूखा चिली। बहुत डिस्टर्बेंस है मेरे वीडियो में क्योंकि किचन छोटा है और अरेंजमेंट नहीं है, तो एक चिली मैं डालूंगी ये वाला तोड़ के। ठीक है, जब ये क्रैकल हो जाए, जीरा क्रैकल हो जाए, तो सबसे पहले डालेंगे मूंगफली, जिसको आप शेंगदाना कहते हैं, ग्राउंड नट्स जो है, मूंगफली, शेंगदाना, जो भी बोलिए वो डालेंगे सबसे पहले, क्योंकि उसको पकने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। और चलाएंगे, बहुत नहीं पकाना है, उससे टेस्ट खराब हो जाता है, मिठास नहीं रहती है। और इसके बाद अब डालेंगे काजू, नारियल, काजू डाला मैंने, नारियल डाला और किशमिश और मुनक्का सारा डाल दिया। अब सबको हल्का सा रोस्ट करना है। जब हल्का हल्का आपको दिखाई दे रहा है, शायद नहीं दिखाई दे रहा है, अभी दिखाई दे रहा है, हाँ अभी दिखाई दे रहा है। तो जब ये हल्का हल्का हो जाए, कलर इसमें आ जाए, देखिए आ गया है कलर इसमें, तो इसमें मुरमुरा को डाल देना है। बिना चलाए पहले इसमें हल्दी और नमक डालना है, नहीं तो फिर ये पूरा तेल पी जाएगा मुरमुरा। नमक मुरमुरा में होता है, इसलिए थोड़ा सा डालिए। और हल्का सा चीनी, एकदम इतना सा चीनी, क्योंकि जो हमने किशमिश और मुनक्का डाला है ना, वो मिठास देगा इसमें। इसके बाद इसको चला लेना है, सब चीजों को मिक्स करना है। कुछ लोग दिवाली में ये, कुछ नहीं सब लोग बनाते हैं, पर मेरा ये आज का नाश्ता है। भगवान लेंगे पहले दूध और ये, और फिर मैं लूंगी। तो एक व्यक्ति के लिए जितना लगता है उतना ही अमाउंट मैंने बनाया है। और वैसे भी ये सारी चीजें मैं दिवाली में नहीं बनाती हूँ। आज मैंने क्यों बनाया, क्योंकि मुझे आपको बताना था। और वैसे भी कभी कभी नाश्ता में ये बनता है, तो ये हल्का होता है, लेकिन ग्राउंड नट्स और ये सब चीज ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। तो ये हो गया तैयार, और दूध भी हो गया तैयार। अब ये जो दूध तैयार हुआ है, देखिए आप देख सकते हैं, आपको दिखा देती हूँ मैं, ये है दूध हमारा। इसको अगर इच्छा हो तो फिल्टर करके पीजिए, और नहीं तो ऐसे भी पियेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा ये जो चीज़ें हैं ना, छिलका और तेज पत्ता, ये पीने में दिक्कत करेगा, तो इसको फिल्टर कर लीजिएगा। ठीक है, हरी बोल।